हेलो स्टूडेंट्स, अपना आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया है पहले वीडियो में, उसके बाद पार्ट सेकंड में बात करते हैं। पार्ट सेकंड में थोड़ा सा जो ऑक्सीडेशन स्टेट का बचा हुआ है वो अपन पढ़ेंगे डी ब्लॉक का। अब डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट पहले मैं बता चुका हूँ ऑक्सीडेशन क्या होता है। कोई भी एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी। उसके बाद बात करते हैं कि जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बहुत ही कम होती है, 0, 1 इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। ऐसा किस कारण होता है वो पढ़ते हैं। यहाँ पे एक टर्म आती है लिगेंड। लिगेंड दरअसल वे आप मान सकते हो मॉलिक्यूल्स होते हैं या वे एटम्स होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं मेटल को। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जिसमें एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो लिगेंड ऐसे हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल को डोनेट करते हैं और इनके कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। अपन डी ब्लॉक का पूरा एक चैप्टर है अपने पास आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें पूरा पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो लिगेंड होता है वो हमेशा डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन पेयर को, किसको, मेटल्स को, और उसके बाद इनके दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लिगेंड शो पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर। पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर का मतलब क्या है कि लिगेंड्स ने डोनेट तो कर दिए इलेक्ट्रॉन, बट मेटल के पास भी क्या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो लिगेंड के खाली जो ऑर्बिटल है, जो वैकेंट ऑर्बिटल है, वहां पर मेटल से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, जिसको बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं या पाई बॉन्डिंग भी कहते हैं। कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप डायग्राम पे ध्यान देंगे, कार्बन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है और मेटल के पास यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स हैं। तो ये तो हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो ये सीओ एक कार्बोनिल लिगेंड है उसने मेटल को क्या दे दी, इलेक्ट्रॉन दे दी, और यहाँ पे ये बॉन्ड कौन सा हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब जो मेटल जो है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो मेटल अपने डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है कहाँ पे, वेकेंट पी ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बन रही है, इसको बैक बॉन्डिंग भी बोला जाता है क्योंकि उल्टी दिशा में चल रहा है ये काम, इसलिए इसको बैक बॉन्डिंग बोला जाता है या पाई बॉन्डिंग बोला जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि इनके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे निकल टेट्रा कार्बोनिल निकल, पेंटा कार्बोनिल आयरन, है ना, तो इनमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, जीरो। अब टेट्रा कार्बोनिल निकल में ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की क्या रहती है, जीरो, और पेंटा कार्बोनिल आयरन में इसकी जीरो रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। आप खुद निकाल सकते हैं x x plus 4 into 0 is equal to x is equal to 0, मतलब निकल की भी जीरो है और आयरन की भी जीरो है। इसके कारण बैक बॉन्डिंग के कारण यहाँ पे क्या होगी, लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी। उसके बाद बात की जाती है कि स्कैंडियम। स्कैंडियम एक डी ब्लॉक का अपने एलिमेंट है, फर्स्ट नंबर पे 21 नंबर पे, है ना, एटॉमिक नंबर 21 होता है। तो स्कैंडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है डी में और दो इलेक्ट्रॉन होता है 4s में, 3d1 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो स्कैंडियम के लिए सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्कैंडियम क्या करता है कि जैसे अपन ने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है, तो ये सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओर बढ़ता है। तो इसलिए स्कैंडियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहता है। उसके बाद बात करते हैं टाइटेनियम 4 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन टाइटेनियम सेकंड एंड टाइटेनियम थर्ड। तो टाइटेनियम थर्ड और फोर्थ, थर्ड और सेकंड की जब बात की जाती है तो टाइटेनियम होता है 22 नंबर पे, एटॉमिक नंबर 22 होता है, 3d2 एंड 4s2। तो आप खुद देख सकते हैं अगर यहाँ पे डी में से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाए और एस में से भी दो इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये आर्गन का, आर्गन जो कि एक नोबल गैस है, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, इसके कारण वो स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए टाइटेनियम 4+ स्टेबल होता है टाइटेनियम 2+ से और टाइटेनियम 3+ से। ऐसे के ऐसे कुछ केसेस देखे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे स्टेबिलिटी के, Mn2+ Fe3+। तो Mn2+ और Fe3+ में क्या होता है कि इसमें तीन इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन जो भी है जो रिमूव कर दिए जाते हैं तो ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं जो कि स्टेबल होता है। अगर इस पूरे को देख के
और जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो डी ब्लॉक की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। उसके अलावा सारे एलिमेंट्स कुछ ना कुछ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट जनरल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है जो लगभग सारे एलिमेंट शो करेंगे। तो ये इसका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट होता है कंप्लीट। इसमें इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि बैक बॉन्डिंग क्या होती है और मोस्टली इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे। एक बात याद रखना, इनको मेटल कार्बोनियंस बोला जाता है MCO को, जिसमें ये मेटल के साथ कार्बोनियल लिगेंड बॉन्ड बनाते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे पढ़ेंगे। ओके।